तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल सेक्टर का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरी, इसका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। तो अभी हम 2023 में हैं, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज से 5 साल बाद क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर इस कंपनी में अभी भी है, जो यहाँ से 5x हो चुका है। तो अगले अगर अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर है, स्पेशली कुछ बड़े इन्वेस्टर बहुत सारे फंड हाउस का यहाँ पे अभी इंटरेस्ट जग रहा है, जो यहाँ से शेयर प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। एंड ऑब्वियसली इस कंपनी का मार्केट शेयर गेन करने का कुछ ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, तो वो कम से कम 15 से लेकर 20 पॉइंट है, तो एक एक करके मैं आपको शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर कुछ फंडामेंटल पॉइंट को यहाँ पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ TTM बेसिस में 65% है, जो अल्कोहल का कंपनी है उनमें सबसे बेहतरीन है। TTM बेसिस में आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं 140% है, और उसका यहाँ पे शेयर प्राइस के ऊपर भी यहाँ पे एक बहुत ही शानदार 3 साल के लिए 124% का रिटर्न और 1 साल के लिए 250% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार हो चुका है। तो ये तो अभी का स्टोरी है, बट ये स्टोरी शुरू कब हुआ था और अभी क्या चल रहा है और अगले क्या हो सकता है, सारे पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे जैसे पुराना कॉन कॉल। तो अगर आप 2019 का जो कॉन कॉल है ना, नवंबर 2019, ये कॉन कॉल पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा। जब पेनी स्टॉक था ये शेयर, तब एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे बताया गया था ये जो कंपनी का प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर के पास पहले बहुत ही कम हिस्सेदारी हुआ करता था। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 2019 में जो मेन प्रोमोटर है उनके पास देखिए कितने परसेंट था, 6% के आसपास स्टॉक था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था, क्या जगदीश कुमार अरोरा ये स्टेक को बढ़ाएगा? अगर ये बढ़ाएगा तो जो जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे अपने कंपनी के ऊपर एक अच्छा बिलीव बढ़ेगा। तो यहाँ पे बाद में ये पता चला, इन्होंने धीरे धीरे माल मतलब जो शेयर प्राइस को यहाँ पे खरीदना शुरू करे, और धीरे धीरे यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर है उनका यहाँ पे इंटरेस्ट जग गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, जहाँ पे हम देखते हैं 2021 में राइट इशू किया गया, 2022 में कन्वर्शन ऑफ वारंट किया गया, ये सारे जगह पे देख सकते हैं। ये जो स्पेशली 2022 में जहाँ पे यहाँ पे 67 रुपीज़ में प्रोमोटर को किया गया था, जब ये किया गया था तब शेयर प्राइस बहुत कम था, 30 के आसपास था, बट यहाँ पे प्रोमोटर ने 67 रुपीज़ में अपने प्रेफरेंशियल बेसिस में शेयर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, फिर भी राइट इशूज़ किया गया। मतलब बहुत सारे प्रोसेस करके यहाँ पे अपने प्रोमोटर ने, और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे बहुत बार यहाँ पे उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। तो एक प्रोमोटर का बाइंग का सिग्नल जो इन्वेस्टर है उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंट बढ़ाता है। तो सिर्फ ये चीज़ देखकर आप इन्वेस्ट मत करिए, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप समरी में जाएंगे तो हम देखते हैं ये बनाता क्या है। ये बियर को बनाता है और साथ में IMFL ये बनाता है, इंडियन मेड फॉरन लिकर का बिजनेस में है। और ये कहाँ पे बेचते हैं और क्या क्या है इनके लिए, इनका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये नीचे है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आपको डिटेल्स में दिखाने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होगा, आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये व्यक्ति समझ जाएंगे तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आप लंबे समय के लिए इनको होल्ड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर शेयर प्राइस कुछ करेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बेसिस में मत करिए। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं, ये जो सोम डिस्टिलरी है ये मेनली बियर की बिजनेस में है और IMFL में है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात किया जा रहा है, फिर कंट्री लिकर का बिजनेस इन लोगों का, स्ट्रॉन्ग बियर में ये लोग 75 और 80% का यहाँ पे है, मिड बियर में है, अनक्राफ्ट बियर में है। स्ट्रॉन्ग बियर में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोर्शन है, 75 से 80% का यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है। IMFL का भी यहाँ पे इन लोगों का ब्रांड चलता है, जिसमें विस्की है, राम है, वोडका है, जीन है एंड ब्रांडी है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये सारे पोर्शन में बहुत लोग मार्केट में है। तो क्या अब बहुत बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, इन लोग जो कम्पीट करने जा रहा है यहाँ पे आगे कर पाएगा कि नहीं। बात जो भी है, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो मेनली यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पे बिजनेस करता है, ये बिजनेस ये लोग कहाँ पे करते हैं, कौन सी जगह पे इन लोगों का दबदबा है। तो हम क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों का तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे जगह पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है तेलंगाना में है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जगह पे ये लोग ज़्यादातर कामकाज करता है, ठीक है। फिर राजस्थान से इन लोगों का लाइसेंस भी मिला है, एंड यहाँ पे ये लोग इंडिया के बाहर भी थोड़ा बहुत माल को बेचने का कोशिश कर रहा है, ये चीज़ भी क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे रिसेंट समय में इन लोगों का ग्रोथ बहुत ही शानदार हुआ था। कोविड के चक्कर में इन लोगों का ग्रोथ में थोड़ा इन लोगों का सबका ही प्रॉब्लम आया था, फिर वो सारे प्रॉब्लम से ये लोग गुजर चुके हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं।
जो अभी अल्कोहल का ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें ज़्यादातर कंपनी प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। प्रीमियमाइजेशन का क्या मतलब है, जिस तरीके से हम देखते हैं हम लोगों का यहाँ पे अर्निंग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रीमियम प्रोडक्ट को खाना और यूज़ करना पसंद करता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग 100 से लेकर 200 का दारू पीता था, अब वो 500 से लेके अब वो क्या कर सकता है, 500 से लेके 1000 का अभी पी सकता है, क्योंकि उनके पास डिस्पोजल इनकम आ गया था। तो यहाँ पे और भी एक ट्रेंड चल रहा है, अब छोटे छोटे कैन में ये बेचना शुरू हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर अब कुछ जगह पे ऑनलाइन डिलीवरी भी दारू होने लगा है, तो ये भी एक ग्रोथ ट्रिगर इन लोगों को लगता है। अगर देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, अल्कोहल इंडस्ट्री, ये क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ना, लोगों का डिस्पोजल इनकम बढ़ रहा है, बहुत सारे सोर्स इनकम बढ़ रहा है। इंडिया का पहले सिर्फ वन सोर्स ऑफ अर्निंग था हर एक पीपल का, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए भी अर्निंग होता है, और भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी जगह से अर्निंग होता है। तो लोग ये तो ऑब्वियसली खर्चा तो करेगा ही, कोई भी फेस्टिवल हो तो दारू तो जरूर पीना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को लगता है। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो यूथ एंड एडल्ट का जो डेमोग्राफिक है, हम देखते हैं ना, यूथ लोग ज़्यादातर इसमें फोकस करते हैं, और ये रेशियो हम लोगों के लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे कुछ जो है, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अर्बनाइजेशन पॉइंट मतलब शहर की तरफ लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे मानी भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर ये क्या करता है, यहाँ पे ये सब ज़्यादा पीते हैं। फिर यहाँ प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड जो है यहाँ पे ज़्यादातर पीते हैं, तो इसके लिए जो है मैं आपको बोल रहा था 100 से लेकर 200 का ब्रांड, यहाँ पे ज़्यादातर लोग 500 के उनके ऊपर पीता है, क्योंकि ये दिखाना पड़ता है लोगों को, हाँ हम देशी दारू नहीं है, ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। बट यहाँ पे कुछ जैसे फैक्टर भी है जिनके ऊपर आपको अगले समय में नज़र रखना है, जो कॉन्स वाले सिनेरियो है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे अगर कंपनी का ओवरव्यू देखा जाए, तो कंपनी के पास ब्रांड है, और ज़्यादातर देखा गया है जो कंपनी अपने ब्रांड के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है। स्पेशली इन लोगों का एक ब्रांड, स्पेशली ये क्या ब्रांड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हंटर नाम के एक ब्रांड है, ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत ही शानदार सेल्स लेके आया है। फिर इन लोगों का ब्लैक फोर्स एंड पावरकूल, ये दोनों ब्रांड में भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग हुआ है, और यही मेनली इस कंपनी का जो ट्रिगर है वो काम में आया है। तो स्पेशली यहाँ पे ना केवल ये लोग हंटर के ऊपर, जैसे ये तो ऑब्वियसली हंटर एक बियर का ब्रांड है, इनके अलावा भी वोडका विस्की में भी ये लोग भी काम कर रहा है, और इसमें इन लोगों का प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो एक तो ब्रांड पावर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे उनका यूज़ करके मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रीमियमाइज्ड यहाँ पे सेल किया जा रहा है, स्पेशल करके बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आ रहा है ये लोग, और वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। फिर एक कंपनी का कुछ ओवरव्यूज है, जो 1993 में ये हुआ था, एंड अभी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन गया है, मिलेनियम ब्रांड में है, एंड यही इकलौता कंपनी है जो BRB बनाता है और IMFL बनाता है, ठीक है, और इसका रेवेन्यू शानदार तरीके से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, IMFL से इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है, एंड BR से ज़्यादा 90% है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको जो ग्रोथ फिगर मुझे लगा, तो हम देखते हैं यूनाइटेड BRIs जो है ना, उनके पास बियर का सबसे बड़े मार्केट शेयर है। बट अगर आप देखेंगे ना, पिछले 2 साल में यूनाइटेड ब्रेवरीज का वॉल्यूम में इतना ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आया, तो ज़्यादा लोग ने यहाँ पे दूसरा ब्रांड को भी ट्राई करना शुरू कर दिया है। तो वो क्या हुआ, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ा, उनका डिमांड बढ़ा, तो स्पेसिफिक कोई भी एक शहर में, कोई एक स्टेट में इन लोगों ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। अगर हम देखेंगे इन लोगों का प्रीवियस जो डिस्क्लोजर है, उसमें हमने देखा है ओडिशा से इन लोगों का मार्केट शेयर बढ़ा, मध्य प्रदेश से भी बढ़ा, एंड साउथ इंडिया से भी इन लोगों का बियर का कंजम्पशन बढ़ने के चक्कर में इन लोगों का मार्केट शेयर बढ़ गया। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे ट्रिगर था। फिर इन लोगों का जो ब्रांड है, उनका बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला है, तो ये एक ट्रिगर है, क्योंकि आगे चल के लोग ऐसे ब्रांडेड चीज़ पसंद करेगा, और अगर उनका भी एक अच्छा वैल्यू सबको मिलकर दे रहा है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ हो जाता है। स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एंड बहुत सारे ट्रिगर यहाँ पे गए हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जो पहले कंपनी के ऊपर भरोसा लोगों को नहीं लग रहा था, अब लगने लगा, एंड यहाँ पे इन लोगों का ब्रांड पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर का यहाँ पे इंटरेस्ट जग रहा है, जो हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये सारे BR का ब्रांड में इन लोग मास्टर लीडर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बहुत सारे जो चीज़ है इन लोगों ने धीरे धीरे लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ इन लोगों का ग्रोथ फिगर और भी है। फिर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हाई मार्केट पेनिट्रेशन में ये लोग कहाँ पे एंट्री किया है, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 44% मार्केट शेयर है, कर्नाटक में यहाँ पे 20%, ओडिशा में 15%, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ 11 से 15% में जा चुका है, दिल्ली में भी इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर दिया है। तो ये सारे हैं, यानी धीरे धीरे ये UP मार्केट में, राजस्थान में इन लोगों ने लाइसेंस हासिल कर लिया है, तो यहाँ पे ये लोग और भी प्रोडक्ट बेच सकता है। फिर वर्ल्ड वाइड में भी ये लोग बहुत सारे जगह पे माल बेचते हैं, तो स्पेशली 20+ कंट्री में इन लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो अभी ये ग्रोथ ट्रिगर बनता है। ग्रोथ फिगर में ये पॉइंट आपको ऑब्वियसली याद रखना है, देखिए सबसे बड़े यहाँ पे रेडिको खैतान के साथ इन लोगों का एक टाई अप हुआ था, स्पेशली इन लोगों का एक प्लांट है हसन करके, हसन एक जगह का नाम है, वहाँ पे कर्नाटक में है, तो वहाँ पे ये जो रेडिको खैतान ने उनके साथ एक डील हुआ था, उनके बाद इनका किस्मत ही पलट गया, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इस डील के बाद वो उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे बाहर की देशों का कंट्री का जो बहुत सारे ब्रांड के साथ इन लोगों ने टाई अप किया, और उनका प्रोडक्ट भी बेचने लग गया, फिर बाहर के देशों में ये लोग बेचने भी लग गया।
एंड यहाँ पे ये लोग और भी जैसे मेनली जो डेट है डेट को कम करने के लिए काम कर रहा है, तो एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैं बोल रहा था मार्केट शेयर भी ओडिशा से गेन कर लिया, तो ये सारे पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखना देखना पड़ेगा। फिर मुझे और एक चीज़ ग्रोथ ट्रिगर लगता है यहाँ पे, क्या बड़े इन्वेस्टर का नाम आया जो यहाँ पे कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल डाटा भी अभी आपको देखना है, फाइनेंशियल डाटा में देखते हैं, ये लोगों का कहना है जो डेट है डेट कम हो जाएगा, रिटर्न रेशियो अच्छा हो जाएगा, पैड ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। ये सब हम जो सोच रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, क्या बड़े इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े नाम जो दिग्गज मार्केट में हैं वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो हम देखते हैं पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा नाम का एंट्री यहाँ पे है। जिस अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं डॉली खन्ना जी का यहाँ पे स्टॉक, ये यहाँ पे 1 पॉइंट पहले उन्होंने लिया था, फिर अभी 1.31% है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग मुझे लगा जो मैनेजमेंट को चेक करने के लिए मैं स्पेशली जिनका जिनको फॉलो करता हूँ, ये अक्टूबर 22 का ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसको आप क्लिक करिए तो आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे विजय केड़िया सर का यहाँ पे इंटरेस्ट था वो मैं आपको दिखा ना सकता हूँ। ये चीज़ मैंने एक बार मेरा जो ट्विटर पोर्टल है ट्विटर हैंडल है वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा ये इधर इसको अच्छा ये करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था प्रतीक केड़िया से, ये स्पेशली मुझे पर्सनली लगता है विजय केड़िया सर का सन हो सकता है, एंड फ्रॉम द केड़िया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था जो अपकमिंग 2 साल 3 साल में कंपनी का क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर है, तो एंड बहुत अच्छे से ये जवाब भी दिया गया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, मध्य प्रदेश कर्नाटक है यूपी एंड दिल्ली है, ये सारी जगह पे अगले 2-3 साल में ये लोग मार्केट को और स्पेशली इनका जो ब्रांड है हंटर है इनको और भी प्रमोट कर पाएगा और मार्केट शेयर ले पाएगा। हालांकि हम जानते हैं बहुत बड़े यहाँ पे ब्रांड किंगफिशर है, ये सब सारे सारे चीज़ ये लोग जानते हैं, बट इन लोग अब ये लोग काम कर रहा है एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट होने के साथ साथ ये इंडिया का जितने सारे कंजम्पशन है उसका थोड़ा पोर्शन यहाँ पे हासिल कर सकता है। अगर छोटी कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर हासिल कर सकता है तो ऑब्वियसली उनका मल्टीफोल्ड होने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बड़े कंपनी को अब और कितना दोगे, क्योंकि जहाँ पे एक एक ब्यूअरीज का कंपनी है जो आपका चल रहा है 129 का पी में और यहाँ कहाँ पे सोम डिस्टिलरी चल रहा है और बहुत ही कम में चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे नहीं कि यूनाइटेड ब्रेवरीज के साथ कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका पी चल रहा है 130 में, अभी सोम का चल रहा है 36 में, हालांकि रिसेंट समय में बहुत चलने के बाद ये 36 हुआ। बट यहाँ पे अगर लंबे देर के लिए आपको रुकना है तो आपको कंपनी का किस तरीके से डिस्क्लोजर आ रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट का अगले समय में कौन कौन सा आ रहा है, क्या क्या डिस्क्लोजर आ रहा है, सबको फॉलो करना चाहिए। मैं भी रेगुलर बेसिस में यहाँ पे अपलोड करूंगा और अपडेट अपडेट में रखूंगा, क्योंकि मुझे अगले समय में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है शेयर प्राइस वाइज तो मैं एक बार इनके ऊपर इंटरेस्ट